अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डुप्लीकेट की एरर पर काम करेंगे। यानी जैसे सेम ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आती है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डुप्लीकेशन का एरर कोड आता है, जो कि सही नहीं है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। हमको कोई स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर शो कराना पड़ेगा, तभी यूजर को पता चलेगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते वापस कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन के बाद में यूजर को गेट कर लेंगे, यानी एग्जिस्टिंग यूजर हमको गेट करना है। अगर वो मिलता है तो वहीं से हम उसको रिटर्न करा देंगे, ताकि हमको कुछ इस तरीके से एरर मैसेज देखने ना मिले। हम एक कस्टम एरर मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। कैसे कराएंगे, चलते वापस वीएस कोड में, और यहाँ पे मैं कमेंट भी बना देता हूँ, चेक एग्जिस्टिंग यूजर, और उसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर देंगे, लॉन्च्ड एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। फिर हमको यूजर मॉडल का इस्तेमाल करना है, और इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड वन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, ईमेल के बेस पे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में इसका वैलिडेशन, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड रिक्वेस्ट हम यहाँ पर भेज देंगे। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करा देंगे, जैसे कि सक्सेस केस हम कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं इसके बाद में, जैसे कि ईमेल ऑलरेडी टेकन, और इतना ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, और चलते हैं वापस पोस्टमैन के अंदर। और उसके बाद में सेम ईमेल आईडी से मैं जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। अब जैसे सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए, अभी जो हमने यहाँ पर एरर ऐड किया था वो बराबर से शो कर रहा है सक्सेस फॉल्स, और मैसेज भी बराबर से मिल रहा है, ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो सक्सेसफुली एक केस हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद में देखिए, हमारे पास डेटाबेस में जो वैल्यू है उसके अंदर पासवर्ड विजिबल है, तो इस पासवर्ड को हमको हैश कराना है। हैश का मतलब क्या है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेगा, यानी यूनिक कोड्स रहेगा जो कि इनक्रिप्टेड रहेगा, ताकि हमारा पासवर्ड जो है सिक्योर रहे। इन केस अगर कुछ भी साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तब भी हमारा पासवर्ड विजिबल नहीं रहेगा। अगर हैकर को एक्सेस मिल भी जाता है तो उसको पासवर्ड डिक्रिप्ट करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए देखिए एक पैकेज आता है, पहले शुरू में ब्राउजर पे चलता हूँ, और npm js पे जाएंगे हम, और यहाँ पे सर्च करेंगे bcrypt। नोड js में भी सपोर्ट मिलता था पहले, प्रोटॉन करके या क्रिप्टॉन करके कुछ पैकेज आता था, लेकिन हम क्या करेंगे, और हमको सिक्योरिटी पर काम करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, bcrypt और bcrypt js। सो bcrypt js का हम यूज कर सकते हैं, दोनों भी सेम काम करते हैं। तो ये काफी एक पॉपुलर पैकेज है, जिसकी मदद से हम हमारे पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, यानी इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले शुरू इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में सॉल्ट, या फिर सॉल्ट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। और हैशिंग के लिए आप जो है ना सेपरेट जो है मिडलवेयर भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली जो है मॉडल के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले शुरू आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से आप इस कमांड को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद चलते हैं वापस वीएस कोड में, और सर्वर को जो है थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, npm i bcrypt js, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। ये पैकेज सर्वर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए काफी छोटा पैकेज है, और फटाक से ये डाउनलोड हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे, npm रन सर्वर। तो हमारा सर्वर यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैशिंग के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करने वाले हम यूजर मॉडल के अंदर। आप चाहें तो सेपरेट मिडलवेयर बना सकते हैं, लेकिन इसी में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो लास्ट में हमारा स्कीमा खत्म हो रहा है ना, टाइम स्टैम्प के बाद में ये फंक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो डायरेक्टली आप जो है फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हैश फंक्शन बनाएंगे। सो हैश फंक, साथ ही में कमेंट कर दिया मैंने हैश फंक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर स्कीमा को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारे स्कीमा का नाम है यूजर स्कीमा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रीव फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ट्रीव यानी क्या है कि आप जो है सेव होने से पहले क्या करना चाहते हैं आप बता सकते हैं, सेव अपडेट होने से पहले भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में आपको फंक्शन यहाँ पर लिखना है, और एरो फंक्शन ये सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए नॉर्मल फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन, अब ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, और इस फंक्शन को साथ ही में एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे पासवर्ड को, कैसे हम दिस से टारगेट कर सकते हैं, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे अवेट करेंगे, और बीक्रिप्ट को टॉप पे इम्पोर्ट कर देंगे ताकि हम पासवर्ड को हैश कर पाए। तो इम्पोर्ट बीक्रिप्ट फ्रॉम बीक्रिप्ट js,
इसको हमने ऊपर इम्पोर्ट कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, bcrypt का इस्तेमाल करेंगे, bcrypt डॉट हैश फंक्शन, और इस हैश के अंदर हम क्या करेंगे, पासवर्ड को पास करा देंगे, सो दिस डॉट पासवर्ड, और इसके बाद में कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, सॉल्ट को पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और कोई भी एरर अपने पास अभी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो अब क्या होगा, जब भी न्यू रिकॉर्ड सेव होगा ना, उसमें जो भी पासवर्ड की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसको देख लेंगे एक बार, चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर ईमेल चेंज कर देता हूँ मैं, TAT कर लेता हूँ उसको, TAT.com, और यहाँ पर इसको कर देंगे हम यूजर, और बाकी सारी चीजें मैं सेम रखता हूँ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने सेंड पर क्लिक किया और पासवर्ड अगर आप देखेंगे तो ये हैश हो चुका है। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं वापस MongoDB कॉम्पस में, और अभी एक ही रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश तो दूसरा रिकॉर्ड अपने पास आ गया, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए पासवर्ड हमारा हैश हो चुका है। पहले वाले में देखिए यहाँ पर पासवर्ड विजिबल है क्योंकि हमने वहाँ पर हैश टेक्निक यूज नहीं किया था, लेकिन इस वाले में बराबर से हमारा पासवर्ड हैश है। तो परफेक्टली हैशिंग की फंक्शनैलिटी भी हमारी एप्लीकेशन में काम कर रही है। इसी तरीके से देखिए लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन के टाइम पे हमको इसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कंपेयर फंक्शन, और इस कंपेयर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करने का ट्राई करेंगे। किसकी मदद से, बीक्रिप्ट की मदद से। तो चलिए पहले शुरू यूजर स्कीमा को टारगेट कर लेंगे। आपने जो भी स्कीमा का नाम लिखा है ना, उसको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि देखिए हमारे केस में यूजर स्कीमा है, आपने अगर सिर्फ स्कीमा नाम दिया है या फिर सिर्फ यूजर नाम दिया ना, तो डायरेक्टली आपको इसको टारगेट करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं। तो मेथड्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं मॉडल के अंदर। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ कंपेयर पासवर्ड, फिर इसके बाद में एसिंक फंक्शन बना लेंगे। सो एसिंक नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि एरो फंक्शन ये सपोर्ट नहीं करता है। सो ये बन गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए अगर कंपेयर का ऑपरेशन हम देखेंगे ना, तो यूजर से हमको प्लेन पासवर्ड भी गेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेन पासवर्ड, यूजर से हम प्लेन पासवर्ड ले लेंगे, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे पहले शुरू, ये है रिटर्न, फिर हम क्या करेंगे अवेट कर लेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हम बीक्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, सो बीक्रिप्ट डॉट, फिर इसके अंदर हमको कंपेयर फंक्शन मिलता है, इसका हम यूज करने वाले हैं। और कंपेयर के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी पासवर्ड है पहले शुरू वो ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन पासवर्ड को पास करा देंगे, और प्लेन पासवर्ड जैसे मिलेगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड में जो भी पासवर्ड है उससे इसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट पासवर्ड, सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ये कंपेयर फंक्शन भी बन जाएगा। अब इस फंक्शन को हम जो है रजिस्टर में ट्राई नहीं कर सकते, इसके लिए हमको चाहिए लॉग इन फंक्शन। तो लॉग इन में कैसे यूज करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग इन फंक्शन देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग इन API पर काम करेंगे। तो चलते हैं यूजर राउट के अंदर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना, इसको थोड़ा सा और कमेंट आउट कर देंगे, जैसे कि यह है रजिस्टर के लिए, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कमेंट बना देंगे लॉग इन के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यू राउट बनाएंगे, राउटर डॉट पोस्ट, मेथड सेम रहेगा, और URL हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे इसको, और फिर कंट्रोलर फंक्शन हमको क्रिएट करना है। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, और नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना लॉग इन के नाम से बना लेता हूँ एक कमेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम सेम रख सकते हैं आप, लॉग इन कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल एरो फंक्शन बना लिया, पहले सेव कर लेते हैं इसको, बाद में इस पर काम करेंगे। चलते वापस यूजर राउट में, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे लॉग इन कंट्रोलर। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस कंट्रोलर में काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन को एसिंक करना है, एसिंक एरो फंक्शन, और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। और अच्छे से एरर और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। कैच में हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, जो भी एरर है तो एज इट इज कंसोल में भी प्रिंट करा दो, साथ ही में रिस्पॉन्स में भी हम क्या करेंगे एरर मैसेज शो करा देंगे। सो लेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, इसके बाद में फिर सेंड रिक्वेस्ट, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और डबल कोट्स है यहाँ पर, और कोलन को भी ऐड कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे मैसेज ऐड कर देंगे मैसेज, और यहाँ पे लिख सकते हो एरर इन लॉग इन API, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एरर केस बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस केस पर काम करेंगे।
तो सक्सेस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड को यूजर से गेट करेंगे। तो आप क्या करें, इसको डिस्ट्रक्चर कर ले, कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड दोनों को हम गेट करने वाले कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। साथ ही में आप इसका वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप कमेंट आउट भी कर ले पहले शुरू वैलिडेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं मिलते हैं तो यहीं से रिटर्न कर दो, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, सॉरी सेंड नहीं, ये है स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे, फॉल्स मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लीज ऐड ईमेल और पासवर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट वैलिडेशन यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ईमेल चेक कर लेंगे पहले शुरू के यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ एट यूजर, और फिर कॉन्स्ट फाइंड कर लेंगे हम यूजर को, यूजर इक्वल टू, फिर यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में अवेट भी कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर अवेट करेंगे, उसके बाद में फिर यूजर मॉडल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे। सो फाइंड वन, फाइंड वन में हम क्या करेंगे, ईमेल के बेस पे फाइंड करेंगे यूजर को, और यहाँ पे इसका भी वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि कमेंट बना लेता हूँ यूजर वैलिडेशन, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यूजर को, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तो यहीं से क्या करो, रिटर्न कर दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट स्पैम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 404 कर सकते हैं, नॉट फाउंड के लिए जो 404 भी चलता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे, अगेन फॉल्स, तो आप क्या करें, सक्सेस को कर दें यहाँ पे फॉल, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे। तो मैसेज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड कर देंगे इसको। तो यूजर का वैलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पासवर्ड को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी करना है। हमारे डेटाबेस में क्या है, यहाँ पर पासवर्ड इंक्रिप्टेड है, तो यही पासवर्ड अगर हम ऐड करेंगे तो यूजर तो ये वाला पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा ना, जो भी प्लेन पासवर्ड है यूजर वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हमने देखिए ऑलरेडी कंपेयर का फंक्शन बना के रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपेयर फंक्शन, तो इसका हम यूज करेंगे। चलते वापस कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पासवर्ड को। सो चेक पास, शॉर्टकट में मैंने कमेंट बनाया, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि इसका नाम मैं रखता हूँ इज मैट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेन पासवर्ड को पास कराएंगे विद कंपेयर पासवर्ड, यानी जो भी हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था ना मेथड्स के अंदर, देखिए कंपेयर पासवर्ड, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप पहले शुरू अवेट कर ले, अवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास है कंपेयर पासवर्ड का फंक्शन। इसके अंदर सिंपली हमको प्लेन पासवर्ड को पास कराना है, जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट कर रहे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो पासवर्ड हम गेट कर रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगा, इसको भी चेक कर लेंगे हम। सो यहाँ पे आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे पहले चलो, इफ नॉट इज मैच, अगर इज मैच नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर दो, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन सक्सेस फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे, और डायरेक्ट स्पेसिफिक मैसेज हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे कि आपका पासवर्ड गलत है, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनवैलिड क्रीडेंशियल कर देंगे इसको। इस तरीके से हम जो है मैसेज पास करा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो फिर हैकर को ईजी हो जाता है कि उसको पता लग जाएगा ना ईमेल वैलिड है, सिर्फ पासवर्ड का इशू है, इसलिए हमने यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल जो है ऐड किया हुआ है। अब अगर सारे यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 मीन्स ओके रिक्वेस्ट, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे थ्रू, और मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग इन सक्सेसफुली, और साथ ही में यूजर को भी मैं पास करा देता हूँ, जो भी यूजर है ना उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे, और डायरेक्ट में पासवर्ड भी विजिबल रहेगा। पहले चेक कर लेते हैं ये काम करता है, सेव कर लेते हैं इसको, और देखिए परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, अभी सर्वर हमारा क्रैश नहीं हुआ है। तो चलते वापस पोस्टमैन टूल में, और हम क्या करेंगे, एक और न्यू टैब बना लेंगे, और प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल एंड पॉइंट कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको मेथड सेलेक्ट करना है, इसका भी मेथड पोस्ट है, उसके बाद में फिर इसको पेस्ट कर देंगे, और रजिस्टर के बदले यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। आपने जो भी एंड पॉइंट का नाम दिया है आप वो ऐड करिए, उसके बाद में बॉडी, बॉडी के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉ डेटा सेलेक्ट करेंगे, रॉ डेटा के बाद में यहाँ पर हम जेसन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे ईमेल को पास करा देंगे। सो यहाँ पर ईमेल,
और फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर पासवर्ड पास कराना है। तो आप लिखेंगे पासवर्ड, तो मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है डेटाबेस में से कॉपी कर सकता हूँ, या फिर प्रीवियस वाले में है ना, देखिए tat.com, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे कॉपी, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक्स्ट्रा कॉमा रिमूव कर लें। अब हम क्या करेंगे, सेंड पर क्लिक करके देखेंगे हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस फॉल्स आ रहा है और यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम एक बार टर्मिनल में देख लेंगे। तो यहाँ पर टाइप एरर यूजर मॉडल में आ रहा है। ओके, सो यूजर मॉडल में कंपेयर फंक्शन के अंदर इशू आ रहा है, तो डायरेक्ट हमने यूजर मॉडल के अंदर से इसको फाइंड किया, इसीलिए जो हमको एरर आ रहा है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर यूजर को ऑलरेडी हमने गेट किया हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे डायरेक्ट यूजर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस यूजर मॉडल के बदले हम क्या करेंगे डायरेक्ट यूजर का इस्तेमाल करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में और मैं फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी यहाँ पर बराबर से मिल रहा है, लॉग इन सक्सेसफुली, और यूजर भी हमको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक फील्ड को रिमूव करेंगे, जैसे कि पासवर्ड मैं रिमूव कर लेता हूँ और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्लीज एड ईमेल और पासवर्ड बराबर से आ रहा है। उसी तरीके से वापस से इसको अंडू कर देंगे और पासवर्ड मैं रॉन्ग यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे कि 9, और फिर सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इनवैलिड क्रिडेंशियल। तो सक्सेसफुली हमारा पासवर्ड वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, फील्ड का वैलिडेशन बराबर से परफॉर्म हो रहा है, और वापस से हम सही ईमेल और पासवर्ड ऐड करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमको परफेक्टली जो है मैसेज मिलेगा लॉग इन सक्सेस। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी एनेबल होगी।